मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर, अनुप्रिया सिंह पटेल, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, शोभाकरण लहजे, परसोत्तम खोड़ाबाई रूपाला, राजकुमार सिंह, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, लेकिन जो उनके पैमाने में फिट नहीं बैठता उसको वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिली है जो 24 घंटे अब देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए सोचेंगे। देश तरक्की करेगा तो हर शख्स तरक्की करेगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यू टीम का ये भव्य समारोह बहुतों के लिए राष्ट्र निर्माण का पथ तैयार करेगा, लेकिन यही फेरबदल सियासत में कई नामी चेहरों पर गाज की तरह गिरा। कैबिनेट विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक दर्जन के करीब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा और बाबुल सुप्रियो जैसे चेहरे शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे ज्यादा उम्र को वजह माना जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं। हकीकत क्या है, बदलाव की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे कोरोना और बंगाल चुनाव का असर साफ देखा जा सकता है। महामारी में दूसरी लहर के दौरान हेल्थ सर्विसेज पर जो कहर बरपा, उसका असर कहीं न कहीं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर पड़ा। जबकि बंग भूमि की जंग में शिकस्त के चलते बंगाल के दो मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देवोश्री चौधरी को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोरोना के चलते जिन तीन विभागों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा उनमें शामिल है, माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना से निपटने में दूसरी लहर के दौरान फेल हुआ, जिस वजह से दोनों मंत्रियों को हटाया गया। नई शिक्षा नीति का सरकार को उतना श्रेय नहीं मिला, जिस वजह से दो मंत्री हटाए गए। इसके अलावा उम्र भी वो फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्तीफा देने वाले नौ मंत्री 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। इनमें 73 साल के थावरचंद गहलोत, 72 साल के संतोष गंगवार, 70 साल के प्रकाश जावड़ेकर, 68 साल के सदानंद गौड़ा, 66 साल के रविशंकर प्रसाद, 66 साल के डॉक्टर हर्षवर्धन और 61 साल के रमेश पोखरियाल निशंक शामिल। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के 13 बड़े चेहरे आउट हो गए और बदलाव की कोई एक वजह नहीं कही जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सेना के साथ नव भारत निर्माण के लिए तैयार हैं। शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से जुड़ी ये तस्वीर इसी बात को बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर, अनुप्रिया सिंह पटेल, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, शोभाकरण लहजे, परसोत्तम खोड़ाबाई रूपाला, राजकुमार सिंह, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के
राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन सीधे संसद से लाइव। और अपने दर्शकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने शपथ ली है, उनसे बातचीत की है। जी मीडिया ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देता हूं। चार बार सांसद रहे आप, यूपीए सरकार में भी दो बार मंत्री रहे, अब एनडीए सरकार में आपको नई जिम्मेदारी मिली है, आप क्या कहेंगे? केवल मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी और जो अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। ठीक है सर, लंबा सर, कितनी चुनौती और क्या लोगों की उम्मीद है? देखिए आप मुझे जानती हो कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। बहुत धन्यवाद सर। जी हिंदुस्तान से बात की है ज्योति सिंधिया ने, देखिए जो जिम्मेदारी अपने मिलती आई है वो निभाते आए हैं और आगे भी जो जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो निभाएंगे। आपको बता दें कि चार बार के सांसद रहे हैं, यूपीए सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं और अब राज्यसभा सांसद के साथ साथ सदस्य रहे थे और अब एनडीए सरकार में मंत्री पद में शामिल हुए हैं। तो जाहिर है कि अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नई चुनौतियां क्या सामने आती हैं और लोगों की उम्मीदों को कैसा पूरा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ लक्ष्मी उपाध्याय, दिल्ली।